नकारात्मक शक्तियों को आकर्षित करने वाली गलतियाँ। आपने पहले घर के बड़े बुजुर्गों से सुना होगा कि वे लड़कियों को हमेशा बाल बांधकर बाहर निकलने के लिए कहा करते थे। गरुड़ पुराण में भी कहा गया है कि लड़कियों को अपने बाल खोलकर बाहर जाने से परहेज करना चाहिए, खासकर अमावस्या और पूर्णिमा की रात को। इन दिनों में आत्माएं बहुत ज़्यादा सक्रिय रहती हैं और अपना प्रभाव बनाने की कोशिश करती हैं। तेज सुगंध आत्माओं को अपनी ओर आकर्षित करती है, इसलिए रात के समय तेज सुगंध वाला परफ्यूम या इत्र आदि लगाकर घर से बाहर ना निकले। भटकती हुई आत्माएं नया शरीर पाने की जुगाड़ में रहती हैं, इसलिए यदि महिला गर्भवती हो तो कभी उसे अकेले बाहर नहीं निकलने देना चाहिए। जब हम किसी मृत व्यक्ति को हद से ज़्यादा याद करते हैं तो उसकी आत्मा कई बार आकर्षित होकर हमारे इर्द गिर्द मंडराने लगती है। जो लोग शारीरिक रूप से कमज़ोर होते हैं, बीमार होते हैं या जिनका मन दुर्बल होता है, ऐसे लोगों पर आत्मा अपना प्रभाव बनाने की कोशिश करती है। जिन लोगों के घर में पूजा पाठ नहीं होता, नियमित रूप से दीपक नहीं जलाया जाता, ऐसे घरों में नकारात्मकता आ जाती है और आत्माएं इन घरों में अपना ठिकाना बना लेती हैं। रात को सोते समय अधिकतर लोगों को इत्र, डियो अथवा सुगंध को किसी न किसी रूप में अपने शरीर पर लगाना भाता है। पुराणों के अनुसार ऐसा करना नकारात्मक शक्तियों को बुलावा देता है। रात के समय नकारात्मकता सुगंधित काया की ओर विशेष रूप से आकर्षित होती है। महिलाओं या युवतियों को टूटे हुए बाल खुले में ना फेंकने के लिए कहा जाता है, क्योंकि खुले स्थान पर फेंके गए बालों पर नकारात्मक ऊर्जा जल्दी हावी होती है। इन बालों का इस्तेमाल टोने टोटके के लिए भी किया जा सकता है। बालों को खुले में फेंकने से महिला पर बुरी नज़र का असर तेजी से होता है। यदि आपको यह वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें।